प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी द्वारा सदन में दिए गए हिंदू विरोधी बयान पर आज सकल हिंदू समाज द्वारा रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उपस्थित वरिष्ठ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान से साफ लगता है कि वे हिंदू विरोधी हैं। उपस्थित हिंदू समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि ऐसे व्यक्ति की लोकसभा की सदस्यता समाप्त की जाए। परसों 1 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो बात कही गई, वो बात उन्होंने कही, ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये हिंसा 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 करते हैं, ये नफरत 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 कर फैलाते हैं। इस प्रकार का लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में नेता प्रतिपक्ष द्वारा देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का यह जो अपमान किया है, इस देश की हजारों लाखों वर्ष पुरानी जो सभ्यता है, जो सनातन संस्कृति है, उसके विरुद्ध इतना गैर जिम्मेदाराना उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, उसके पीछे का भाव समझने की आवश्यकता है। वो नेता प्रतिपक्ष आज बने, लेकिन पहले भी विदेश में जाकर चुनावों के दरमियान कहते थे भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। विदेश में भारत के प्रजातंत्र के बारे में इस तरह का वक्तव्य देना और देश के लोकसभा में भी इस प्रकार हिंदुओं के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका जो एजेंडा है इसको दिखाता है। हम इनके इतने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और वक्तव्य के खिलाफ पूरे देश भर में आज के प्रकार से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाए, समाप्त की जाए, क्योंकि आने वाला 5 वर्ष यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस तरह के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का कतई अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार यह हिंदू समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। वो 99 में आकर इतना अहंकार अगर कर रहे हैं, अगर दुर्दैव से कभी वो लोग सत्ता में आए जो आ नहीं सकते हैं, तो किस प्रकार हिंदुओं के हितों के प्रति कुठाराघात, वो जो 47 से लेके 90 तक के कालखंड में हमने देखा है, कहीं उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। देश का हिंदू समाज इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि देश विरोधी राष्ट्र विरोधी हिंदू विरोधी किसी भी ताकत को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। वो राहुल गांधी जी देश से माफ़ी मांगे। अरे ये हिंदुत्व है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे संतु निरामय, सब आनंद पूर्वक रहें, ऐसे में वो हिंसक कैसे हो सकता है। उन्हें अपने जड़ों को देखना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं और फिर इस प्रकार का वक्तव्य वो पारित करें। और बाकी के कांग्रेस के लोगों को भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने नेता को थोड़ी सी सद्बुद्धि दें। केवल उनके हाँ में हाँ मिलाना यही नहीं है, अपितु अगर नेतृत्व गलती करता है तो साथी लोगों को उनको सुधारना पड़ेगा। मैं कांग्रेस के बाकी लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने नेता को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो करें। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह बयान दिया है, हिंदुओं को हिंसावादी कहा है, इसके हिंदुओं की भावना बहुत आहत हुई है और राहुल गांधी को देश से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं के प्रति अपमानजनक बयान जो दिया है उससे सभी हिंदू आहत हैं। और यदि हिंदू हिंसावादी होता, हिंदू सहिष्णुवादी है, इसी का नतीजा है कि आज हिंदू सहिष्णुवादी नहीं होता तो पाकिस्तान भी नहीं बनता, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहता। इसीलिए मेरा सब भाइयों से निवेदन है, आज सब हिंदुओं की भावना आहत हुई है तो कलेक्टर जिलाधीश महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी हिंदू भाई, प्रत्येक कास्ट के लोग शामिल हुए हैं और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और ये मैसेज संसद तक जाएगा। और राहुल गांधी हमारे भारतवासियों से, हिंदू भाइयों से माफ़ी मांगेंगे, यदि माफ़ी नहीं मांगी तो ये देश हित में, हिंदुओं के हित में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।
Pizza Point, Kangor. For delicious moments.